और वजी भाई स्टार्ट करेंगे लाइव है इनशाला तला बसम रन रहीम आज हमने हमजा के कारी साहब को बुलाया <laughs> <laughs> हमजा के कारी साहब को बुलाया और आज ईब टीजिंग के ऊपर बात हो रही है ईब टीजिंग के ऊपर <laughs> आज शहरियार का फर्स्ट टाइम हमारे साथ तो आज शहरियार को किसी भी तरह की मर्सी नहीं दिखाई जाएगी कैसे हैं शरियारा आप? आप आप जितने भी हमारे मीडिया पे एडिटिंग देखते हैं और वीडियोस देखते हैं और लाइव शोज़ में जितने भी मेसअप होते हैं वो शरियार की तरह से होते हैं <laughs> नहीं शरियार <laughs> हमारे बैकएंड पे लाइव सेशन सारा <clears throat> मैनेज कर रहे होते हैं तो आज हमने आ, सोचा कि यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर बात की जाए यंगस्टर्स से रिलेट करते हुए और आ, जो यूनिवर्सिटी लाइफ में

ऐसी बात नहीं है मैं डरा हुआ सिर्फ टेंशन नहीं है टेंशन नहीं चल इजा हो जाए ऐसे तंग कर रहे हैं आपको जो शहर होता तो होता तो यहीं पे वैसे भी हां शहर होता तो कैमरा के सामने है ना आज कैमरा के सामने भाई पूरा ससुराल देखेगा अल्लाह अच्छा अच्छा ये बात थी ना हैंस हैंस द ब्लैक कमीज़ शलवार हैंस दोस्त शूज़

एकदम से, तो से आए बस उसको पहले ही पता है सारी चीजें तो ये इसी का उसको बताने का मसला ही नहीं ये देखिए आप देख रहे हैं ना ये खेलेंगे टैग टीम मीडिया वाले मीडिया वाले मोहब्बत मोहब्बत ये महबद, आ, ये मोहब्बत मी, बियॉन्ड मीडिया ये रो ये बोले कि आई विल नॉट सरवाइव विदाउट यू तो मीडिया हां सो तो हम यूनिवर्सिटी लाइफ साहब आई हैव गुड अ गुड वेरी गुड मेमोरीज ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह Uh, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए तो जा नहीं रहे होते थे <laughs> तफरी के लिए जा रहे होते थे uh, friends, I've, I've जैसे मैंने लास्ट टाइम भी चेंज वाइट स्टोरी में कहा थाचुअली uh, 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 इतना टाइम गुजर गया बढ़ी के अलहमद लाला अल्लाह सुमादा ने बड़ा सीखने का मौका दिया एट द सेम टाइम मुझे कभी कभार कंसर्न भी होता है आज कल uh, यूनिवर्सिटीज में जाए तो थिंग्स रेली फास्ट एक्टिविटीज़ uh, बहुत ज़्यादा हो रही हैं बच्चों को एंटरटेन रखने के लिए बहुत चीज़ हो रही है बट so uh, you know, uh, मसला ये कि मैं अगर लर्निंग के हिसाब से सीखूँ ना कि देर विन वेरी फ्यू टीचर्स जिनसे सीखा जिन्होंने एक्चुअली सिखाया जिन्होंने ऐसी चीज़ सिखाई जो आपको एम्पावर करती है आपको uh, उस, uh, उस तरह से वो बोलता कि यार आई एक्चुअली लर्न तो मैं उसको आगे कुछ प्रजेंट uh, करने में या कुछ सीखने में करता हूँ आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की आप यूनिवर्सिटी में लगे बट ये बढ़ी हमारे पास माशरे में बड़ा एक मामला है कि यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है और आ, वाई थिंक यूनिवर्सिटी में जाना जरूरी है था? ये से पूछते हैं नहीं है, मैं तो कहता हूँ तो कह रहा हूँ नहीं है जरूरी इसीलिए <laughs> नहीं गया <किया> यूनिवर्सिटी <laughs> <laughs> भाई तो हंड्रेड किलोमीटर वन वे ड्राइव करते हुए जाते थे इतनी मोहब्बत थी इनको यूनिवर्सिटी क्या 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 कराता था इंसान सड़क सड़क इंसान को

इतना आइडिया नहीं था लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब चलते गए तो काफी ज्यादा चीज़ों के बारे में पता चला इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल और सही मायनों में जब आप इनवर्सिटी में जाते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि हाउ द प्रोफेशनल लाइफ वर्क्स और स्पेशली एक्सपोजर एक्सपोजर मिल जाता है वगैरह सारी चीज़ें लेकिन उसके साथ साथ मैं uh, अपनी इनवर्स लाइफ से ना एक चीज़ मुझे बहुत uh, समझ में आती है जो कि अल्लाह किसम सब ने मुझे uh, दी कि वहाँ से मेरा तवक् बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ किस तरीके से हुआ के वजी भाई आ, जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में गया ना तो आप सबको ही पता है कि आप स्टूडेंट्स होते हैं और इतना, इतना वो नहीं होती आप आ, के क्यों, 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 मेरे ऐसे शौक नहीं थे कि मैं बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ के और ज्यादा लोग जो दूसरे मकासद के लिए जाते हैं कि जब पहले जब लोगों ने छोड़ा

लेकिन जब यूनिवर्सिटी में गया ना तो ये सारी चीज़ें एकदम से ना बहुत ज्यादा हावी होती हैं ऑब्वियसली फिर इतना क्योंकि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में था कि जहाँ पे दीन के बारे में कोई इतना वो मसला नहीं था और मतलब जो मुसलमान थे ना वहाँ पे वो सिर्फ अपोलोजेटिक मुस्लिम्स टाइप लोग थे तो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना और वो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता था तो कुछ वक्त गुजरने के बाद सिर्फ मेरे दो सेमेस्टर्स ही हुए थे दो से तीन सेमेस्टर्स हुए थे तो एट दैट टाइम इतना ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था यूनिवर्सिटी आना जाना मैं सोच रहा था गैपेड ले लू तो उसी उन्हीं दिनों के दरमियान ना अल्लाह अला ने ना मतलब समाओ सब के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह था लेकिन मेरे लिए एक ब्लैसिंग बन गई थी कि कोरोना आ गया और यूनिवर्सिटी सारी चीजें ऑफ हो गई तो जब भी मैं अभी मैं पॉडकास्ट से पहले भी जब सोच रहा था ना तो मैं अला सुबह शुक्र अदा करते हुए नहीं थकता कि वो टाइम था क्योंकि वो टाइम था कि जहाँ पे मैंने देखा कि सब अल्लाह सुबल अगर आपकी नीयत सही हो ना तो अल्लाह आप कहीं भी हो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंगले में बैठे रहें और कुछ करें नहीं और बस बातें करते रहे आपको उन लोगों के पास जाना पड़ता है कुछ उलूम लेने पड़ते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो दुनिया भी भी फायदा हो दुनिया और आखिरत में भी फायदा हो तो ये एक वो ऐसी चीज है जो मैंने सोचा था कभी इनशाला मौका मिला तो ये जरूर बताऊँ अच्छा आपका आना जाना पेट्रोल की वजह से मसला बन रहा था या नहीं नहीं ये कितनों की वजह से पता है आपको तो कितना की की वजह से अच्छा व, आपकी तफसीर सेशन होते थे कुरानिक ट्रेजर से पहले जो फेज सिक्स में हुआ करते थे शेर यार वहाँ पे हमसे फर्स्ट टाइम मिला था ही वाज बेसिकली वन ऑफ योर स्टूडेंट्स उस क्लास के अच्छा जी तो उस पर मस्जिद के पास अली मस्जिद के पास जो होते थे आरिफ भाई के घर में वहाँ पे पहली दफा आया था और उस वक्त जो था ये काफी सारी चीजों से में इसकी थी तो वी कनेक्टेड उसी दिन जिस दिन मैं इससे पहली दफा मिला हम चाय पे बैठ गए वहीं पे करीबी ढाबा था वहां पे बैठ गए एंड ही टोल्ड मी अबाउट लाइफ उस वक्त वो यूनिवर्सिटी परसू कर रहा था, fourth, hmm. में था और ही वॉज ऑन वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एथीएस्ट ही वॉज एंड देर लेकिन फिर आई गेस वाईसी की कुछ वीडियोस देखकर अल्हम्दुलिल्लाह वो कनेक्ट हुआ था और फिलॉसफी में दो तरह के एथिएस्ट होते हैं एक देख 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 बेसिकली उनका एक लॉजिकल एक रीजनिंग होती है और एक प्यार में नाकामी होती है आपको लगता है लॉजिकल है तो मतलब मुझे नहीं अदर जितने मतलब लड़के आते थे मतलब आप उन सब से दोस्ती करते थे या या क्या मामला है देखिए मेरे पीछे जो दोस्तियां बढ़ी थी मुझे नहीं पता था ऑन करके जी जी। है। <laughs> है आए हुए ना तो कुछ भी हम बोलेंगे ना हम उसकी जिद में बोला बोलू और क्योंकि देखिये मुझे कॉन्टेंट मिलेगा ना जरा पॉडकास्ट के लिए इन लेकिन देखिए हैदर

भाई मैं पहले जनरल बात करूं थोड़ी सी ना मैं जनरल बात इसके बारे में मैं ये करना चाहूँगा कि जहाँ तक यूनिवर्सिटी से सीखने का ताल्लुक है और यूनिवर्सिटी के बेनिफिट का या यूनिवर्सिटी के नुकसान का ताल्लुक है तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यूनिवर्सिटी से हमारा टाइम कुछ ज़ाया होता है डेफिनेटली देर इज़ अटन एलिमेंट ऑफ लर्निंग सो इज विद एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आपके अच्छा होता है बुरा यू लर्न एट एवरी स्टेप और एक समझदार आदमी को ऐसे ही होना चाहिए लेकिन यूनिवर्सिटी के अगर हम सिस्टम की बात करें तो आई पर्सनली लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे सिस्टम्स में खराबी हैं यूनिवर्सिटी के सिस्टम से मैं कुली तौर पर एग्री नहीं करता क्योंकि हम जब चार साल वहाँ पे लगा रहे होते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मैंने एक्चुअल में कॉन्टेंट सीखा हालांकि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो मुझे ऐसा महसूस है कि जो मैंने एक्चुअल में जो चीज सीखी है

लेकिन ये उस शख्स के लिए ज्यादा है जिस बंदे की उससे पहले किसी किस्म का भी कोई एक्सपोजर ना हो ना, ना, ना वर्किंग का ना लोगों के साथ एक्सपोजर का तो उनके लिए ज्यादा ये एक्सपोजर होता है अगर यूर ऑलरेडी डूइंग समथिंग डूंग ऑलरेडी इंटरेक्टिंग विद पीपल और यू ऑलरेडी या आप कहीं पे काम कर रहे हो तो फिर मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का वो जो एक बेनिफिट एक्चुअल में था ना वो भी, भी प्रोफेशनलिज्म की बात करता हूँ तो थोड़ी यूनिवर्सिटीज है जहां पर वाक मैंने देखा सा हमने मतलब खुद कैसे पढ़ाई करनी है और रिसर्च कैसे करनी है अपने ग्रेड्स की जिम्मेदारी खुद कैसे लेनी है वो अगर इंसान को थोड़ा सा एहसास पहले ही हो और थोड़ी जिम्मेदार पहले हो तो यूनिवर्सिटी में आके आप नहीं सीखते बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी सी ना आपको आप समझ लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है hmm. या सुडो एक्सपोजर है कुछ भी उनको मार्क्स दें उनके साथ अपने हो hmm. फेवरेटिज्म तो, होता है बहुत सारी चीज होती है कोई कोर्स कवर कर रहा है नहीं कर रहा जिसका दिल किया थोड़ा कोर्स कवर किया जिसका दिल किया कुछ ज्यादा भी कवर कर दिया तो देर आर लॉट ऑफ दैट नीड्स टू भी डेफिनेटली बट आई पर्सनली थिंक देर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी सब लोगों के लिए सब लोगों के लिए आई थिंक कुछ ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे जाना जरूरी है लेकिन सबके लिए जाना जरूरी नहीं मैं मैं जाती जस्ट माय ओपिनियन ऑन द मैटर और मुझे पता है बहुत ओपिनियन होगा क्योंकि ये किसी बंदे के लिए ना इट इज अनहर्ड ऑफ लोगों ने कहना है कि यार ये तो फर्ज है बल्कि मतलब वाजिब एटलीस्ट मुस्तहब तो है ही है तो कि आप यूनिवर्सिटी ना जाए तो उस बंदे को कुछ समझा ही नहीं जाता हमारे माशरे के अंदर और डिग्री ना हो कितने लोग हैं मुझे मिलते हैं आपने करना क्या है हमारा फलाना फलाना काम करना है तो अच्छा आप काम कर क्यों नहीं रहे नहीं डिग्री तो लेनी है अच्छा डिग्री क्यों लेनी है आपने

बट एक मजबूरी सी बन गई है टू बी पार्ट ऑफ दिस्टम मिसाल के तौर पर बोलूँ की दो साल की उम्र के बाद बच्चे को प्री नर्सरी और नर्सरी जाने की जरूरत नहीं होती इट्स मोर ऑफ अ बॉन्डिंग टाइम पेरेंट्स बट उन्होंने सिस्टम का हिस्सा ऐसा बना लिया है कि अगर आप नहीं भेजोगे तो उसको आगे जाके चीजों की लर्निंग में होगी स्कूल बिकॉज इतनी फास्ट पेस uh, पे चीजें चे चेंज हो रही है

Hmm. अगर आप लोगों को डील करना चाहो डील करके आप hmm. आप चाहे उसको कितने पैसे दे रहे हो आप चाहे उसके साथ कितने पैसे ले रहे हो आप चाहे उसको एज ए लीडरशिप हो मैनेजमेंट हो हाउ यूर एबल टू होल्ड ऑन टू दीपल बी एबल टू डील विद हाउ टू टू बी एबल डील विद इश्यूज योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दैट एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में लाइफ में वर्क लाइफ में शादी में बींग अ पेरेंट हाउ यू डिवेलप एज एन इंडिविजुअल जो कि नहीं uh, दी जाती ऑल्सो एट द सेम टाइम आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट

दोस्त जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि खाला के बेटे ने डिग्री कर ली तो मैं ही करूंगा तो फिर क्या होगा और क्या कहते हैं शादी नहीं हो रही तो मीन बार क्या कर लो डिग्री कर लो तो ये चाहे वो मास्टर्स की बात हो रही है चाहे वो ये बारी बात हो रही है तो आई थिंक वी हैव टू सेट गोल्स इन माई पर्सनल केस मैंने जो है ना यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले अलहमदिल्ला थोड़ा सा गाइडेंस भी मुझे मिली और अल्लाह नजीदी जहन आई डिड नॉट गो विद विद द फ्लो रिगार्ड्स टू मैंने कौन सी डिग्री करनी है सब कहा जा रहे हैं किसका सबसे ज्यादा मेरिट है मैंने ये सोचा था कि आ, फादर के बैठा और पेरेंट बैठा कि डिस्कस करना कि करना क्या तो हमारा अपना कंस्ट्रक्शन का काम था, था हमने कहा ठीक है और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रहना ना तो आ, सबसे बेहतर ये रहेगा कि अगर आप उस फील्ड को समझो और यू गेट अ डिग्री अबाउट इट तो मैंने कहा सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो बिफोर आई इवन अप्लाइड फॉर एनी यूनिवर्सिटी आई इट वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मैंने जो करनी है वो मैंने सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो डिग्री बनाए डिग्री करो और ये गोल ऑन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट

यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ <laughs> <अल्ण भाँ। laughs> तो मेरी जो ना छठे सेमेस्टर में जब शादी हुई थी मैं बता रहा हूँ कि गोल्स के मुलिक अप्रोचेस डिफरेंट क्या हो सकती हैं दिस इज माय अप्रोच विद रिगार्ड्स टू मैंने डिग्री ली की और मैंने आगे किया जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने जो है वो सब डिग्री नहीं की हुई थी उन्होंने एफ एस सी की थी उसके बाद वो मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह में जो है वो चली गई थी अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करी थी तो ये बताने के लिए सबको कि हाउ यू शुड बी सेटिंग योर गोल्स मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा शौक था और उनके ऊपर प्रेशर भी कुछ आए कि यार आप ना डिग्री कर लो डिग्री कर लो जो कि सोसाइटी में आपको पता है करो करो वो गुजारा नहीं है वरना तो बुरा टाइम के लिए डिग्री कर लो ठीक है तो मैंने कहा आप, आपको मुझे बुरे वक्त की उम्मीद है तो कहती नहीं लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा करना क्या चाहती हैं तो शी टू टू मी कि आई डू बैचलर्स इन इन्वायरमेंटल ठीक है मैंने कहा आपको पता है आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने आपको शौक कौन से सब्जेक्ट पढ़ने का कहती है कि नहीं मैंने कहा एक मैंने

तो मैंने कहा तीन या चार कोर्सेस आपने चूज किए आपको पता है ये आपका एक सेमेस्टर भी नहीं बन रहा पूरा तो मैंने कहा कि क्या आप साढ़े तीन साल एक्स्ट्रा लगाएंगी आप यूनिवर्सिटी के चक्कर <coughs> लगाएंगी ठीक है आप अपना वो बुखार करेंगी ठीक है और सिर्फ और सिर्फ ये आप क्यों करना चाह रही हैं क्योंकि आपको इसका शौक है मैंने कहा आपने क्या करना है आपने इसमें अपना करियर परसू करना है या आप क्या चाहती है यदि नहीं मुझे इस पढ़ने का शौक है तो मैंने कहा इससे बहुत बेहतर है कि ये सब्जेक्ट्स आप इंडिविजुअली पढ़ना है उसके बावजूद भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप

Uh, जो एक ट्रेडिशनल मैनर में की जाती है जैसे यूनिवर्सिटी जाके डिग्री लिए मैंने कोर्सेज़ किए डिप्लोमास किए हैं स्टैनफर्ड से फ़िलासफी कंपैरेटिव रिलीजन कंपैरेटिव आइडियोलॉजी में मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी uh, जा के नहीं पढ़ा हुआ इट इज़ एब्सोलूटली ट्रू कि यूनिवर्सिटीज जाके आपको एक्सपोजर मिलता है लेकिन उसके जो थोड़े बहुत प्रोज है ना क्योंकि होम स्कूलिंग में भी एक्सपोजर मिला और मैं प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहा था प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है ना वो ज्यादा रिटेनेबल मॉडल है और ज्यादा बेहतर तरीके से आप डेप्थ समझते हो चीज की थियोरेटिकल चीजों को पढ़ पढ़ के आप जो है ना एक हद तक जा सकते हो उसके बाद आप जब तक उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे जो कि सिर्फ आप प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लो या आप किसी से इफ यू वांट टू जैसे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आजकल की मीडिया की फील्ड्स यू डोंट नीड अ डिग्री इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम पांच साल आप लगा रहे हो इट्स एब्सुलूटली

काफी factors होते हैं खाली खाली और आपके लिए चीजों को सीखना नहीं होता बल्कि आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग आप किस फील्ड में जा रहे हो देखिए जिस तरह से जॉब मार्केट चेंज हो रही है जिस तरह से वर्क इनवास चेंज हो रहे हैं एट द डे जो एक डिग्री होगी वो एक आपको एक हद तक कहीं टेबल पे बैठने के लिए एक चांस देगी इंटरव्यू टेबल तक यस एट द एंड ऑफ डे आपकी लर्निंग जो मैं पीछे बता रहा था कि आपके पास क्या चीजें हैं जो आपको वाकई में आगे पांच साल तक सर्वाइव करने की या कभी भी ये चीजें पुरानी नहीं होंगी एक है कि टू एक्टिवली लर्न एंड अनलर्न देखिए मार्केट्स इतनी चेंज हो रही है मार्किट्स मोहरा दुनिया इतनी फास्ट पेस पे गुजर रही है अगर आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप नहीं होती कि आप एक्टिवली सीखने के लिए तैयार होते हो चाहे आप मीडिया की फील्ड में हो आईटी की फील्ड में हो मेडिसिन की फील्ड में हो किसी भी फील्ड में हो आप रिलीजन की फील्ड में हो आप अपने आप को एक्टिवली लर्न नहीं करते एट द सेम टाइम आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि आप हर चीज सीख सको तो आपने बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं हमें बहुत सी ऐसी चीज सिखाई गई हैं जो हम अनलर्न करके अपने आप को रीलर्न करेंगे सो दैट वी कैन एक्चुअली बी एबल टू अपडेट आर सेल्फ तो आपके अंदर अगर ये एबिलिटी डेवलप नहीं होती और मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स uh, में ये एबिलिटी नहीं सिखाई जाती कि यार मेरी फाउंडेशन डिवेलप होगी मुझे सिखाया गया है आई डोंट नीड टू गेट आउट ऑफ बिकॉज यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स नॉट फॉर टू बी एबल टू मेक थिंकिंग माइंडसेट क्रिटिकल माइंडसेट नहीं बनाने के लिए बने थे ये बेसिकली अपनी वर्कर्स बनाने के लिए शुरू हुए थे कॉरपोरेशन ने अपने अपनी फैक्ट्रीज के वर्कर्स अपने एम्प्लॉय जो कि आपके लिए रोबोट की तरह काम कर सके तो उसी लिए

और उन्होंने बताया बच्चों से मैंने उन्होंने बोला कि बताइए well. so तो रहा mm. तो वो जो आ, उनके ओनर थे डीन थे आ, उनसे मैंने एकदम से मैंने बच्चों से मैंने बोला मेरा देखिए आप आयो मेरे पास मेरे बच्चों को बता रहे हो कि इतनी इंजॉयबल लाइफ है वी अंडरस्टैंड दिस बट आई नीड समथिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम यू गाइज कि आ, आप और ये बराबर में जो ए लेवल्स का इंस्टीट्यूट है व्हाट मेक्स इट डिफरेंट आपके पास लर्निंग एबिलिटीज क्या डेवलप कराई जाती हैं आपके पास रिसर्च uh, वर्क के लिए क्या रिसोर्सेस uh, हैं आपके पास अगर आपके पास जो टीचर आ रहा है वो इधर भी जा रहा है हाउ डू यू एंगेज योर स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग विच अदर ए लेवल इंस्टीट्यूट आर नॉट डूइंग सो आप क्या

PBT पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ hmm. वो करो hmm. वो आपको प्लेटफॉर्म देगा रिसोर्स देगा वो आपको एबिलिटी सिखाएगा टू बी एबल सवाल करने हमें एक घंटे के अंदर लिटरली हाउ इज प्रैक्टिकल हमारी भी क्या करती है मजाक चल रहा था आप रिसर्च को सीखें। आपको पता चले के कैसे लिखनी है और यहाँ पे छापे जा रहे टीचर्स खुद अपने स्टूडेंट्स को जो है वो पुरानी किसी की रिसर्च उठाकर देते okay. कॉपी कर लो कोई बात नहीं hmm. खैर उसके वर्ड आगे पीछे कर दो वो पास प्रेजेंटेंस वो चेंज कर देना चलो जी अल्लाह खैर से अल्लाह नंबर चेंज कर थोड़ा बहुत आगे कोई पुरानी रिसर्च करें उसको तो गुजार दिया hmm. और उसका रिजल्ट हो गया रिजल्ट हो ही रहा है कि बहुत सारे मैं सबको नहीं बीच में इंक्लूड कर रहा जनराइजेशन आर रॉन्ग लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हमारी जो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट निकल रहा है इट इज अनएम्प्लॉयबल यूनिवर्सिटी के अंदर हम जा इसलिए रहते हैं प्राइमरीली ज्यादातर लोग इसलिए वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग की हम एम्प्लॉयबल हों

और उसका काम जो है ना उसको सिर्फ अभी तक मास्क करना नहीं आया चीजों को तो एक मीडिया से रिलेटेड एक छोटी सी चीज हमारे डायरेक्टर तो एक एक अच्छा बहुत तो, सीरियस बात हो रही है मैं थोड़ा तंग कर दे या अगर आप इसमें आदब से करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल अच्छा भी होगी डेवेलप हमारे अंदर कोविड के बाद पोस्ट कोविड

बुला लिया करें और उनसे क्वेश्चन आंसर और उनको जो लर्निंग है उसके तो बट ये तो बता रहा से रट्टा मार सकता सब तो हूं सबक मैं नहीं कूंगा अगेन कुछ बहुत अच्छे टीचर्स अच्छे भी हुँ होते हैं लेकिन अक्सर टीचर जो है ना वो क्या कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शेयर से स्लाइड उतार के आपको पढ़ के सुना रहे होते हैं आप घर पर बैठे खुद भी कर सकते हो बहुत सारे टीचर ऐसे कर रहे हैं आपने कहा अटेंडेंस लगाने के लिए जरहे ने बताया ना मैं सौ किलोमीटर था, था। क्योंकि मुझे पता है छुट्टियाँ के अंदर तो मुझे एग्जाम में बैठने sure में ज्यादातर सब्जेक्ट में करता था कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो वाकई थे जिनकी क्लास में जाके कोई इंटरेक्शन होता था कोई चीज बंदा सीखता था और कोई ऐसी चीज होती थी जो कि मुझे और कहीं से नहीं मिल रही वाकई में आ जाकर सीखता लेकिन अक्सर टीचर ऐसे होते थे क्लास में आए आगे टक 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 वही चीज पुरानी जो Uh, आप कहीं से भी ले सकते हो वो वो, वो सिखाई जा रहे हैं एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी सिस्टम को की बैशिंग काफी ज्यादा हो गई है मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक बेसिस वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं ना स्किल की बेसिस के ऊपर या अपने काम की बेसिस के ऊपर अपना काम शुरू कर देना या स्किल कर लेना फ्री uh, लांसिंग कर लेना आई थिंक अ लॉट ऑफ अस डोंट हैव दैट लिबर्टी ये बात कहना भी बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो है ना वो सेफ्टी नेट नहीं दिया कि अगर आप डिग्री नहीं लोगे ठीक है या अगर आप, आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो ठीक है या आपका अपना स्टार्टअप नहीं है तो आपके पास कोई सेफ्टी नेट है एटलीस्ट मेरे पास डिग्री है तो मैं कम से कम बेयर मिनिमम जो है ना, ना कुछ ना कुछ शायद मुझे जो नौकरी मिल जाए और मैं कुछ गुजारा कर लूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्रियां सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं टू सेफ सेफ देम कि उनको एटलीस्ट जो मिनिमम वेज है उनको वो मिल जाए हम सब के लिए ये बात कहना बड़ा आसान होता है कि हम जो है ना वो डिग्री ना करें और जो ना वो क्या कहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट अप कर लें अपना स्टार्टअप कर लें अगर उस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी है उसने बहनों की शादियां करवानी है आपको पता हमारे माशरे के अंदर क्या सिलसिला है उसने बहनों की शादियां करवानी है उस बंदे ने जो है वो क्या कहते हैं अपने भाई बहनों को भी पढ़ाना है उसने अपने घर का खर्चा उठाना है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं अपना जो है ना वो फ्री लांसिंग का करियर जो है वो पहले पांच साल कुछ भी ना कमाऊं उसके बाद वहां से उठू ही कैन नॉट अफोर्ड दैट उस बेचारे की मजबूरी हो जाती है कि मैंने डिग्री करनी है

द थिंग इज के यूनिवर्सिटीज uh, जो है ना स्पेशली वेन इट कम्स टू आजकल की जो ए आई हो गई डिजिटल फील्ड हो गई आई टी हो गया मसला ये होता है कि आई वॉज टॉकिंग टू दिस गाय जो एच आर में होते हैं और वो हायर करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रैड्स को कहते हैं उसमें से एटी फाइव टू नाइनटी परसेंट यूजलेस होते हैं यूजलेस होते हैं उनको कुछ नहीं आता उनके पास सिर्फ डिग्री होती है और जो बाकी टेन परसेंट होते हैं ना उसमें भी हम जो है उन्हें लेते हैं एज अ ट्रेनिंग उनको ट्रेन करते हैं दो साल और फिर हम उनको जो है ना फुल टाइम हायर कर लेते हैं ये ये अलमिया है उसका ऑन दी अदर हैंड इस चीज को जैसे आपने कहा ना नॉट नेली आप डिग्री लेके कर सकते हो देर आर कोर्सेस जैसे एक ग्राफिक uh, डिजाइनिंग के लिए यू ओनली नीड टू मंथ्स ठीक है टू अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से भी करते हैं ना डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कर लेते हैं या उसकी भी जरूरत नहीं है आजकल ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज आपके पास इतने अवेलेबल हैं वेदर इट बी स्किल शेयर वेदर इट बी यूट्यूब आप वहां पे जाके दो घंटे में पूरा पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो सीख लेते तो। ये बताने तो लेता मुझे बैचलर्स के एक टीचर याद है, टीचर थी। बच्चों को हमें बैठे हुए बाहर क्लास के बाहर एक बात है वो बुकिश लर्निंग वाला ए ग्रेड स्टूडेंट होता है जनरल uh, लगा था बट बी ग्रेट स्टूडेंट ए स्ट्रीट स्मार्ट जो, आक, जो कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ हम हमेशा बात करते हैं रियलिस्टिकली बात सोचने की जरूरत है कि हम बात करते हैं इसने ठेला लगा लिया था यूनिवर्सिटी से पढ़ा था प्रॉबेबिलिटी क्या थी हम बात करते हैं देखिए ऑन मेजोरिटी लेवल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है एक सेफ साइड रहता है बिकॉज सिस्टम उसको सपोर्ट करता एक है। है। हम ऑन रियलिस्टिक लेवल ऑन ऑन आइडियलिस्टिक लेवल नहीं कहते हम कह रहे उसको रहता तो है मिसाल के तौर पर लोग बोलते हैं यार देखिए वो बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट था वो इलॉन मस्क भी फना वो था भाई वो किधर का ड्रॉप आउट था वो कोई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ Uh, so -so नहीं था वो हार्वर्ड mm. यूनिवर्सिटी का उधर तक पहुंचने mm. के लिए भी उसको था उसका mm. वो माइंड सेट और इंटेलेक्चुअल लेवल उस हद तक बना हुआ था और परसेंटेज भी हाँ, अगर आपके अंदर वो स्ट्रगल आपके अंदर वो डेडिकेशन आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी वो डिसिप्लिन डेवलप्ड mm. है कि आप अपने आप को उस टाइम पे पहुंचा सकते Absolutely. हो दैट इज समथिंग डिफरेंट बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जब तक वो सिखाती तब तक, तक वो ग्रेजुएशन का वक्त आ जाता है mm. हमें ये एक फॉल्स नोशन दिया जाता है

मतलब अगर आप तीन सौ तो मतलब अक्सर इवेंट्स इवेंट्स ही होते रहते हैं। इवेंट्स ही होते होते रहते रहते हैं हैं कभी है। वो आ गया कभी वो फाउंडर आ गया कभी ये आ गया कभी। यार पढ़ाई होगी मतलब बच्चे कुछ पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे ना एक तो वैसे ही नहीं होती जो हो रही है उसमें भी इवेंट्स हो रहे हैं फिर जैसे ना, मैं ना, बता रहा है कि जो काम नहीं कर पाता ना अच्छा सा वो इस वजह से यूनिवर्सिटी में कुछ सीखा है अच्छा यूनिवर्सिटी में बेचारे जो लड़के हैं ना वो आदि मायूसी बात हो जाते हैं कि सारी जो तुम दिन मनाते हो उसमें किसी ने किसी लड़की की ज़रूरत होती है या बॉयफ्रेंड की ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं यार मेरा तवक्कल इसीलिए बन गया कि मैंने इतना वक्त अकेले गुजारा कि आज मैं अंदर से मजबूत हो गया तो मैं वो, 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 वो देखिए मसला मिलता है कुछ को मौका नहीं मिलता ना तो वो मौका ना मिलने भी लेकिन ऑनेस्टली मैंने देखिए मैं मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था तो कभी एक बार टाइम मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अच्छा लगता है मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ाऊँ तो यूनिवर्सिटीज में क्या काम हो रहा है

और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कॉन्वेकेशन में गया और कॉन्वेकेशन में गया आस पास दाड़ी वाले लोग बैठे हुए थे कुछ लोग थे सब बैठे हुए थे बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स आए हुए थे और कॉन्वेकेशन स्टेज हो रही है डांसर बुलाइए और मैं उस वक्त बोल रहा था भाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज गोइंग ऑन वो जो सारे थे सीटों पर खड़े हो गए तो, मैं ये टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई व्हाट इज दैट द पर्पस व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट डांसर उस नाचने वाली का वो बहुत मशहूर एक्ट्रेस है उनके डांस का उस यूनिवर्सिटी के कॉन्वकेशन में क्या मकसद है मोटिवेशन है चार साल लगा के आप जो है ना क्या कहते हैं जो है कितने पैसे कमाते हैं एक इवेंट कमा बच्चा बोलता है ये जितने फायदे नुकसान ये तो हमने बड़े ही थोरेटिकल लेवल के ऊपर बात कर लिए

ये मैं आपको किसी ऐसे बंदे की बात ही बता रहा हूँ ये टीचर की बात थी कि क्योंकि ऑब्वियसली इवेंट में सारी चीजें थी डांस था डीजे थे और मतलब ऑल इन ओवर सब फितने वाली चीजें थी देख रहे थे उसमें उसमें नहीं मेरी उसमें, टीचर उसमें की आप देखे उसमें आप देखें सुबहान अल्लाह के टीचर की तरफ से बात आ रही है कि टीचर ने हमें ये बोला कि आज आपसे ये नहीं पूछेगा हाय हाउ आर यू आज आपसे पूछ

Uh, मुझे अच्छी तरीके से याद है हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लासमेट uh, uh, थी और uh, जिंदगी में कभी कभार लड़का होने पे भी uh, मायूसी होती थी तो वाक ये था कि जना जैसे uh, हमारा आईटी का मैं बिकॉज मैंने बैचलर्स आईटी टी में घरवालों ने डाल दिया आईटी टी करो ठीक है आईटी करता हूँ यार आईटी किया तो मुझे पता चला कि जना जैसे वाकई में कितना इट वॉज नॉट समथिंग फॉर मी बिकॉज मुझे पीपल इंटरेक्टिंग वाला पर्सन जो है ना

तो हम तो काउंटर स्ट्राइक खेलने वाले कंप्यूटरों पे क्लास में स्क्रीन की लाइट आदि करके टीचर को एकदम से एक दफा ये थोड़ी सी साइड नोट जा रहा हूं स्टोरी पे कि हम लोग कभी खेल रहे थे खामोशी से तो टीचर पढ़ा रहा था जी सी प्लस प्रोग्रामिंग में World, पता है, का प्रोग्राम कर करके तंग आ गए थे तो एकदम से आवाज आती मार, 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 मार। है क्या हो रहा है तो इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि कमिंग बैक टू स्टोरी के उसका लड़की का पीसी स्टार्ट हो गया रोना शुरू कर दिया तो मैंने बोला, मतलब, बोला नहीं, रोनी नहीं, रो नहीं, मैं तो मैं बी ग्रेड दे दूंगा देखा यार मुझे मेरे साथ कोई तर्स नहीं था तर्स नहीं था मैंने सिर्फ रिस्टार्ट होने पर टेंशन नहीं है तो चार आंसू बहाने पर उसको बी ग्रेड मिल गया और मैं बेचारा जो है यहाँ पे जो है ना मतलब लड़की होने की बना पे जो है ना मुझे कम से कम अफसोस सैड लाइफ लेकिन उनके कोई होंगे ना एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे टीचर को पता होगा करते हा? होंगे आपके भी पता होगा कौन की तरफ यार ने? मैं बताऊँ मैं ये तो आप तो माशाल्लाह से अच्छे ग्रेड देते रहोगे टीचर से ना पढ़ने पर ये <laughs> 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 लेकिन ये कि लेकिन ये कि सलाहियत बहुत ही उन्हीं टीचर ने कबाद में कहा था कि भाजी एज कम्पेयर टू जो जितने भी तुम्हारे निकम्मे दोस्त हैं यू हैव मच मोर टैलेंट बट ये ऑफकोर्स दोस्तों की गैदरिंग और uh, मज़ा और टाइम पास और टाइम फेस करने में इतने इन्वॉल्व थे, इन थे बट याद आया कि जैन कि वाकई में टाइम लगा कि या, यार यूनिवर्सिटी mm. लाइफ इसलिए खत्म नहीं की कि मुझे बहुत सीखने का शौक मिल रहा है यार आई नीड टू जस्ट गेट ओवर विद इट सो दैट मैं आगे कुछ करूँ बिकॉज मैंने यकीन रखे मैं जब बैचलर्स कर रहा था मैंने दीन पढ़ना शुरू कर दिया था दीन पढ़ना शुरू कर दिया था तो मेरा एक पॉइंट आया मैंने बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ छोड़नी है मुझे नहीं करनी जरूरत ही नहीं है एक आता है ना जज्बाती अब दीन तो मेरे शेख ने मुझे बताया था कि नहीं आप दीन की ज्यादा खिदमत कर सकते हो अगर आप ये ये करें और और आज आपकी में हो रहा है अगर हम जाते हैं वगैरह होते हैं और यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारे लोग जो मदारस से पढ़ते हैं उनकी एक अपनी वो है लेकिन उनको अगर अपनी जिंदगी में आगे करना पड़ता है तो उनके लिए बड़ा एक रुकावट बन जाती है यूनिवर्सिटी में भी अगर पढ़ाना हो एक रिलेटिविलिटी का मसला होता है बट अन एनी केस मुझे उन्होंने बताया तो मैंने बैचलर्स के दौरान ही पढ़ना शुरू किया मुझे अच्छी तरीके से याद है फिर मैंने मास्टर्स आ, अपना एम मैंने अपना आ, कर रहा था मैंने उस तरह से अपना मास इस्लामिक स्टडीज भी किया और साथ साथ मैंने अपना आलिम की डिग्री का विफाकुल मदारिस का उसका भी किया मुझे नौ से बारह वहां पे एग्जाम देता था फिर दो से पांच वहां का एग्जाम देता था और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरी कॉन्विकेशन हो रही थी जहाँ पे लोग अपना कैबा तो मैं मदरसे की जमीन पर बैठ के अपना एग्जाम दे रहा था बिकॉज मुझे मेरी प्रायोरिटी पता थी मुझे क्या लर्निंग करनी है आपको, पता नहीं कि आपने क्या, करनी है, hmm. आपको क्या चाहिए अगर आपसे पैसा कमाने वाले हो तो फिर आप टिकटॉक से पैसा कमा रहे होगा बोलोगे यार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर आप गेमिंग से कमा रहे हो आप कुछ नहीं होगे बट यू नीड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ ओनरशिप क्या बोले यार

तो उन्होंने मुझे कॉल की कहते हैं यार अपना पोर्टफोलियो तो भेज दो मैंने कहा क्यों कहते हैं सबमिट कराना है पोर्टफोलियो मास्टर्स के लिए मैंने कहा अच्छा ये ले, ले मैं से भेजना ठीक नहीं है जायज़ नहीं है लेकिन कह रहे मैं खुद यूज कर लूंगा तुम्हारे गुना नहीं है ठीक फिर कहते हैं यार ये तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा वो मास्टर कर रहे हैं उस फील्ड में एंड ही डज नॉट नो अ थिंग एक उनको नहीं पता कि मैंने कहा अच्छा एक काम करना अगर आप कर भी रहे हो ना ऐसा पहले जाके यूट्यूब पे थोड़ा देख लेना क्या चीज किस तरह से यूज होती है आपसे सवाल पूछे और आप बोले नहीं यार ये मैं यूज नहीं कर रहा ये मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा द थिंग इज यूनिवर्सिटीज देने कहा ना इंडस्ट्री वर्कर्स बना रही होती है वो थॉट लीडर्स कभी भी नहीं बनाएगी आप मुझे एक थॉट लीडर बताएं जो हमारी यूनिवर्सिटी ने किसी भी प्रेस्टीजियस मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे कि उन्होंने थॉट लीडर प्रोड्यूस था एक सिस्टर है जो कमेंट कर रही है इनका मैं बात बोल रहा हूँ असल में मसला यहाँ पे होता है ना की लोग बात समझने की कुछ नहीं करते तो बोलते हैं कि वजी भाई इस

एक, जो, जो एक बिल्डर कर कर अभी तक नहीं निकले ठीक है तो हम आपने नोटिस किया होगा अभी भी, था। भी तो हमें आज तक बल्कि आज की बात है मैं वीजे के लिए गया मैं वेस्ट के मुल्क में वीजे के लिए गया वहां पे और वहां पे क्यों और भाई आप आप, आप, आप यकीन लोगों का जो <laughs> ना वो यही कहना पे था वो एवरी थिंग इट होल हार्टेडली और उसको हम पूरे तरीके से जो एक्सेप्ट करते है वो बात जरूर हक और सच होगी इसलिए हमें अक्सर औकात जो मिसालें देनी पड़ती हैं वो हमें वेस्टर्न स्कॉलर्स की देनी पड़ती हैं हमें वेस्टर्न uh, की देनी पड़ती हैं क्यों क्योंकि जिनको आप मतलब सॉरी टू यूज बैड वर्ड लेकिन जिनको आप डैडी समझ रहे हैं ना एक्चुअली वो जब वही वो आपकी सोच को निगेट करेंगे ना तब तो आपको लगेगा हाँ यार वाक़ है उनकी बात ठीक है हम सेलिब्रिटीज uh -huh. की मिसाल क्यों देते हैं इसीलिए देते हैं ना क्योंकि मतलब वी डोंट वैल्यू देम जिनको आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो क्राइटेरिया नहीं है आप

अपने लुट, लुटे जाने की पर्ची पकड़ा दी जाती है तो देन वी एक्सेप्टेड कि हाँ कोई बात नहीं और मास्टर्स आर आस्किंग फॉर दिस मनी तो

उनको खुद भी याद नहीं होगा <laughs> क्या हम बात कर रहे <laughs> थे मिसालों के मतलब कि हाँ, वैसे क्यों देते uh, आई थिंक वीजा वीजा, वीजा 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 लगा भी नहीं, 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 लगा था था कहाँ की थी नहीं, हम नजर तो लगाए थोड़ी नज़र लग जाए के जाने की प्लानिंग

प्लेटफॉर्म्स और यूनिवर्सिटीज टू बी योर इनकम जनरेटिंग या uh, आपकी रिस्क का जरिया है रिस्क आएगा अल्लाह के तकबे से अल्लाह सुबाना तला आपको वहां से देगा जहाँ आपने गुमान भी नहीं किया होगा और बेतहाशा मिसालें हैं अपने आप को सिखाते रहिए यूनिवर्सिटी आपने कर ली हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना लिखना नहीं आपका खत्म हो गया है आप फिर भी सीख रहे हैं अपने आप को अपडेट रखिए कीप रीडिंग रु कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ गिव योर सेल्फ टाइम अपडेट योर सेल्फ और ये बात याद रखिए चीजें बहुत दुनिया में चेंज हो रही हैं हमने जो एडवाइस की बात की अपने आप को किसी ना किसी तरह से अपडेट करते रहिए अपने आप आपको स्किल्स डेवलप करते रहिए यू कहते ना कि मास्टर ऑफ ऑफ ऑल ऑल जैक मास्टर यार ये मैं इस बात को नहीं मानता किसी के लिए हो सकता है बट बी एबल टू हैव डिफरेंट सेट स्किल्स उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए बिकॉज आप एक ही चीज डिपेंडेंसी नहीं रख सकते mm -hmm. अगर आप मेडिसिन uh, भी कर रहे हैं तो आप बिजनेस के एलिमेंट को अपने आप को नुहा रखिए एंड जिस भी फील्ड में जाएं उसके बारे में रिसर्च करें रेलिवेंट इंडिविजुअल से मशवरा करें hmm. हमारे पास मेंटरिंग का मामला experience. नहीं है बी एबल टू पीछे पड़ जाए आपकी जरूरत है कि आपने किसी ऐसे इंडिविजुअल को जिसका एक्सपीरियंस उससे कुछ बोले यार प्लीज मुझे कुछ सिखाइए कुछ बताइए कुछ एडवाइस दीजिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए एंड दिस इज इन वैल्यूएबल लेसन दैट समबडी कैन गिव यू बिफोर यू मेक मिस्टेक्स

एंड यू विल बी एबल टू फेस दीज चैलेंजेस बट दीज चैलेंजेस आर ओनली गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉर एज लॉन्ग एज यू कंसिस्टेंट with discipline and be able to have clarity कि आपने जाना किधर है तो अगर आप करने के लिए तैयार है अपने आप को करें और साथ में देखे सब याद रखिए हम हमेशा एक बात कहते हैं सब पढ़ लिया लेकिन अपने रब को नहीं पहचाना नमाज की पाबंदी नहीं आई तो देन योर एंटायर एफर्ट इज गोइंग अंडरस्टैंड योर रियल विजन दैन एट दी एंड चाहे दुनिया में मिले या ना मिले अल्लाह ने आखिरत के लिए आपका रखा हुआ है जुअल ये आपने रियलाइज करना है इसके लिए आपने एफर्ट करनी है आपको ये मौाक़ नहीं देंगे वो सिर्फ आपको एक फैक्ट्री का वर्कर बना रहे हैं ताकि आपको इस्तेमाल कर सकें आपको गाड़ी दे दें आपको कुछ घर के रेंट दे दें और आप 40-50 साल लगाने के बाद आपको बोले थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस अब आप रिटायर होकर घर में बैठ जाएं फिर आप बोलेंगे मैंने जिंदगी के साथ क्या किया अपनी जवानी के साथ क्या किया अपनी जवानी को उस एफर्ट में लगाइए जो सोसाइटी को बेहतर करे अपनी सुस... अपनी जवानी को अल्लाह तला की फर्माबरदारी में गुजारिए आपको अल्लाह सुबान बेतहाशा देगा अगर आपने अपने आप को जया कर दिया हमने लास्ट सेशन में बोला था बेतहाशा लोग जया कर चुके हैंक यूर सेल्फ

बचता कोई है। <laughs> कोई <-गुई> है बचता कोई कोई <laughs> है चलिए चला तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम के लिए आ, कुछ चीजें रख देते हैं आज तो माशाल्लाह से हो गया बट जजाकल्लाह खैर फॉर ऑल दोस हु हैव लिसन टू अस इंशाल्लाह ताला टुमारो सेम एंड अगेन पावर नाइट्स एक एक चीज पूछूं पावर नाइट्स पावर नाइट्स सैटरडे को पावर नाइट्स आर रजिस्टर करा फैमिली को लेके आए जी हां जी हां विमेन आर आल्सो अलाउड पूछ पूछ के वही बात Ah, uh, kids' ke liye super true section. Three reasons they they not to miss Power Nights. Kya three reasons? Number one, done. it's one of a kind. Absolutely. Right, because mm -hmm. it's different. Mm -hmm. Number two, you'll get to meet new friends. True. Number three. Why is there? <laughs> <I> mean, <laughs> wo, wo <to> default, <laughs> the default. <wo> the understood. <laughs> Spread okay, uh, <laughs> lame jokes on stage. <laughs> okay, <laughs> you would be missing it, and you would learn how to be able to crack a sensible joke. <laughs> <laughs> आपको आएगा कि यार देखिए इस तरह से जोक मारना चाहिए ऐसा नहीं बन बच्चियों को बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं बनना <laughs> बच्चे बच्चे ऐसा नहीं बनना तो आपको हाउ नॉट टू हाउ नॉट टू गाइड टू आस फॉर इट मैं छोड़ दिया वाज लेटिंग इट गो बट इसने बोली आस फॉर इट अल्लाह अल्लाह शेड जजाक लग ठीक है के के नहीं आई लव माय ब्रदर्स मेरे छोटे भाई हैं और किसी का कहीं तो हाथ साफ करना होता है ना तो पेज फाड़ के मेरे पे टेप लगा देते <laughs>